Slam for kids, for kids. Oh, bachon. Slam for kids, for kids. Oh, bachon. प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, हम आपको हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। इसमें होते हैं इंटरेस्टिंग सेगमेंट, और हमारे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको सुना दूँ फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नमाज के बाद हम्द सना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी तो किस्मती चैनल के नाज़रीन, आज का सवाल सुन लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताएं। जी टीम ए, आप अली रजा भाई। मस्जिद हराम। जी आपका जवाब दुरुस्त है। हमारा पहला सेगमेंट शुरू करने से पहले फिदा भाई से एक हम सुनते हैं। जी फिदा भाई। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाहु 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सब आग बुझे खुल जाए दर जन्नत के दोज़ख की सब आग बुझे। दिल से कोई एक बार कहे दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाहु
भाई अल्लाह पाक आपको बार बार प्यारे प्यारे मदीने की बात अब हाजिर नसीब फरमाए। जी तो किस्मती चैनल के नाज़रीन, हम बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मदरसतुल मदीना। Islam for kids, for kids. जी तो हम आ चुके हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में और इसमें होते हैं हमारे सब कारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा हुआ जब हम सूरह वाकिया की आप कौन सी तीन आयतें बता रहे हैं? जी हाँ मोहम्मद हुसैन भाई, इंशाल्लाह पहले मदनी चैनल के नाज़रीन और आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालुकुम? जी हाँ प्यारे बच्चों और मंदी चैनल के नाज़रीन, हमें अपनी आदत बनानी है क्या, जब भी कलाम करना है, किसी से बातचीत करनी है, उससे पहले क्या करेंगे? सलाम करेंगे और उसका अच्छे अंदाज से जवाब देंगे और खैर खैरियत पूछें, उसके बाद आप कलाम करें, अच्छी बात होती है। तो जब किसी से कलाम करें क्या करना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी सलाम करें अच्छे अंदाज से और उसके बाद अच्छे अंदाज से उसका जवाब भी दें, खैर खैरियत पूछें। जी हाँ, और फिर आप कलाम कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। माशाअल्लाह बारकअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मोहम्मद हुसैन भाई पूछें आज कौन सी आयतें पढ़ाएंगे सूरतुल वाकिया की। तो आज मोहम्मद हुसैन भाई इंशाअल्लाह सूरतुल वाकिया की आयत नंबर होगी आज 13, 14 और 15, 13, 14 और 15, 13, 14, 15 याद रहेंगी। तीन आयतें हैं, छोटी छोटी आयतें हैं, 13, 14, 15, ये 13, 14 और 15 आयतें पहले तवज्जो के साथ और आखिर में तवज्जो के साथ जी हाँ हदर और तरतील के साथ पढ़ना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, तवज्जो रखनी है। तवज्जो अगर नहीं होगी ना तो आप न सही सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, न फिर पढ़ पाएंगे और न सुना पाएंगे और आखिर में ना ही आप हदर और तरतील में पढ़ पाएंगे। तो आपको सब कामों के लिए क्या करना होगा? सुनना होगा, तवज्जो रखनी होगी। सुनना तो होगा मगर तवज्जो के साथ कान लगाकर, और कुरान पाक के मुताबिक तो अल्लाह ताला ने हुक्म भी फरमाया है इसे कान लगाकर तवज्जो के साथ सुनो। तो कान लगाकर तवज्जो के साथ सुनने का हुक्म है, तो इसलिए हम कोशिश करें कि इसको जब कुरान पाक पढ़ा जाए तवज्जो के साथ सुने। ठीक है, तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, जिसका तर्जमा मफहूम इस तरह बनता है कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाए तो इसे कान लगाकर तवज्जो के साथ सुनो ताकि रहम किया जाए। तो कुरान पाक को तवज्जो के साथ पढ़ने का हुक्म तो है मगर तवज्जो से सुनने का भी हुक्म है। अच्छा, पढ़ते वक्त भी तवज्जो करें, क्यों? कि ऐसा होता है कि बाद मरतब पढ़ रहे फिर इससे बातें करें, पढ़ लें फिर उससे बातें करें, फिर पढ़ लें फिर उससे बातें करें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। कुरान पाक पढ़ते हुए कोशिश करें कि तवज्जो, क्योंकि आप देखें किसी काम को करते हैं ना, जब हम तवज्जो से करते हैं ना तो वो काम सही होता है, और अगर तवज्जो नहीं होती ना तो वो काम में गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो हमने क्या करना है, जब भी कोई काम करना है तवज्जो से करते हैं, दीगर काम भी तो तवज्जो से करते हैं ना। तो कुरान पाक अल्लाह तबारक व ताला का कलाम है और इसको तो हमें खूब तवज्जो के साथ पढ़ना चाहिए और खूब तवज्जो के साथ कान लगा के सुनना चाहिए। तो पहला मरला स्टार्ट करने जाने, तवज्जो के साथ कुरान पाक को सुनना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر जी माशाल्लाह, तवज्जो के साथ आपने सुन लिया, तवज्जो से सुना, अब तवज्जो से समझने का टाइम है और तवज्जो रखनी है फुल
फुल तवज्जो इधर होनी चाहिए। जब आपकी फुल तवज्जो इधर होगी तो इंशाल्लाह आप अच्छे अंदाज से समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो इन आयतों को पढ़ने से पहले क्या है, जब भी कुरान पाक पढ़ना होता है तो क्या करना होता है, तावुज़ और तस्मिया भी पढ़ना होता है। तो मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़िएगा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة من الأولين اس آیت کا پہلا حرف ہے سا اور سا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ٹیم اے سے یا بی سے सा का मखरज हमारे नात खानों को भी याद है, बच्चों को भी याद होना शुरू हो गया, जहन में आ गया है। टीम बी से दो हाथ खड़े हैं और टीम ए से सोच रहे हैं। अलीज़ा भाई जहन में नहीं आ रहा है, सैयद मुस्तफ़ा आपको भी जहन में नहीं आ रहा, सोच रहे हैं, चले सोचें कोई मसला नहीं। हमारे सफ़वान भाई को याद हो गया है, दानियाले भाई को भी याद है, याद आ गया है, मतलब पहले याद नहीं आ रहा था जहन में। चले सफ़वान भाई बताइए, जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से, जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, ये सा का मखरज बता रहे हैं जी। दानियाल भाई क्या कहते हैं आप? सुफवान भाई का जवाब दुरुस्त है। पक्का? अच्छा, जबान का सिरा और ऊपर दांतों के किनारों की बजाय जड़ों से लगे तो क्या मखरज बनेगा, किसका मखरज होगा, सोचे जी। हमारे फिदाउर रहमान भाई बताना चाह रहे, फिदाउर रहमान बताइए। हुरूफ नितरिया का, हुरूफ नितरिया वो कौन से हैं? हुरूफ नितरिया ता दाल और तो, ता दाल तो का मखरज बन जाएगा। दानियाल भाई थोड़ी सी तवज्जो देनी थी। और सफान भाई आप भी बताना चाहते तो बता सकते थे, याद था, आवाज़ नहीं आई सही तरीके से, अच्छा तवज्जो नहीं रही आपकी, तो तवज्जो रखनी है। देखो बाज़ मरतबा होता है ऐसा कि आवाज़ सही नहीं आ पाती, तो आपने सा का मखरज, सफ़वान भाई का भी दुरुस्त है और दानियाल भाई का भी दुरुस्त है। आपने बताया कहाँ था, आपने तो इनका जवाब कहा था दुरुस्त है, ऐसे ही है। तो हमारे सफ़वान भाई का जवाब दुरुस्त है और ता दाल तो जो के मखरज है जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ों से, और वो है ता दाल तो जिनको कहते हैं दानियाल भाई हुरूफ़े नित्रिया कहते हैं। फिदाउर रहमान भाई का जवाब माशाल्लाह। आगे ता आ रहा है ना, देखें सा के साथ ता भी तो है, लाम के बाद ता ही तो है, ऐसा ही है, तो उसका भी मखरज हमें अच्छे तरीके से याद करना है माशाल्लाह। अच्छा, सा के साथ दीगर कोई हरूफ होते हैं वो कौन से हैं इसके साथ, ये कौन बताएंगे? ये भी फिदाउर रहमान भाई, नहीं आप बताएं ना, जहन में नहीं आ रहा आपको, आवाज़ नहीं आ रही, आ रही है? सा के साथ दीगर दो हरूफ कौन से हैं? हमारे अली रजा भाई को याद आ गए जी, बताइए। वो ये नाक में जाएंगे, वो थोड़ी सी नाक में थोड़ी सी जाएगी ना, अभी जो गई थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, वो थोड़ी सी है, थोड़ी जानी चाहिए, कौन बताएगा, जानी चाहिए? ये टीम ए के नाक खां कह रहे हैं नहीं। हाँ सफ़वान भाई क्या कह रहे हैं आप? दानियाल भाई आप क्या कहते हैं? नहीं जानी चाहिए, थोड़ी सी, तो थोड़ी सी, थोड़ी सी भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं, चलो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं जाएगी। अच्छा जाएगी तो क्या हो जाएगा, जाएगी तो क्या होगा, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है जी। सफ़वान भाई बताना चाह रहे हैं, सीधे हाथ से दें, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा जी हाँ, थोड़ी सी भी जाएगी गलत हो जाएगा, थोड़ी सी भी नहीं जानी चाहिए क्योंकि उसका ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि नाक में ले आवाज़ लेकर जाना ही नहीं है। अच्छा दो हरूफ होते हैं जो नाक से अदा होते हैं, उनकी आवाज़ नाक में जाती है, वो कौन से हैं, कौन बताएगा, आपको याद है, क्या नाम है आपका? सैयद हाशिर। सैयद हाशिर, सैयद हाशिर को पता है जी, सैयद हाशिर आप बताइए। नून और मीम, याद कर ले, अपने बात पर आप साबित कदम हैं या आगे पीछे? पक्का सोच ले, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, सैयद हाशिर का
आप दुरुस्त दे दिया है कि नून और मीम ये दो हरूफ ऐसे होते हैं जिनमें आवाज नाक में जाती है। प्यारे बच्चों और बंदी चैनल के नाज़रीन, इसके अलावा किसी अर्थ में नाक में आवाज नहीं जानी चाहिए। इसी तरह बाल बच्चे पढ़ते हैं तों, क्या पढ़ते हैं तों वो, अच्छा इसमें बहुत ज्यादा लेके जाते हैं तों वो, तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे तौ, तौ, क्या पढ़ेंगे तौ, तो नाक में गई नहीं, नहीं गई, नाक से बचा के पढ़ना है। अच्छा बाज बच्चे आइन और गैन में भी लेके जाते हैं, आइन के आखिर में और गैन के आखिर में जाएगी। अब बाज बच्चे पढ़ते हैं आइन, शुरू से ही नाक में ले जाते हैं, गलत हो जाएगा, गैन ये भी गलत हो जाएगा, तो क्या पढ़ना है आइन आखिर में जाए, गैन, ये माशाल्लाह। अब तो आप एक्टिव होते जा रहे हैं क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो आगे बढ़ेंगे वो एक्टिव होते चले जाएंगे, उनको कमज़ोर होना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही दानिल भाई, ऐसे ही अली रज़ा, सही है, आप लोगों ने एक्टिव रहना है, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं हम, अच्छा सा ज़ाल ज़ा के साथ दो रूप आपने बताए कि सा के साथ ज़ाल और ज़ा होते हैं, इनको कहते क्या हैं जी सफ़ान भाई? सोच लें जी, उर्फ़े लिसविया कहते हैं, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं ला मुशद्दद। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी कोई मुशद्दद हर्फ आ जाए तो उसको कैसे अदा करते हैं? रुककर। सब मिलकर बोले रुककर अदा करते हैं। अब आगे आ गया है बड़ा ही मुश्किल कायदा, इस कायदे का नाम कौन बताने जा रहे हैं? टीम ए से एक हाथ और दूसरा सैयद मुस्तफ़ा आधा हाथ उठा रहे हैं मगर सोच रहे हैं, और सैयद हाशिर ने याद किया हुआ है, कर लिया है जहन में, और दानियाल भाई ने भी हाथ खड़ा किया मगर सोच रहे हैं। चले दानियाल बताइए, सोच लें, माल गुन्ना बिला गुन्ना, ईदगाह में अरमल माल गुन्ना, बिला गुन्ना तो नहीं है, अच्छा सोच लें, सोच लिया, सोच लिया, फिर भी सोच लें, फिर भी सोच लिया, यानी ईदगाह में अरमल माल गुन्ना। चले सफान भाई बताइए इनका जवाब दुरुस्त है या गलत है? दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह आप दूसरे एक दूसरे को ही कह रहे हैं आपका जवाब दुरुस्त है, आपका जवाब दुरुस्त है, ये क्या भाई आपस में हैं? आप लोग भी तो टीम है, आप भी तो बताइए ताकि आप भी तो कहेंगे हम भी आगे निकल रहे, टीम भी आगे जा रही है, तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह, इदगाम माल गुन्ना। अच्छा यहाँ इदगाम माल गुन्ना क्यों हुआ ये कौन बताएगा? ताहा भाई बताना चाह रहे, सोच रहे, अपने क्या नाम है आपका? अफ़ान भाई, अफ़ान भाई आप बताना चाह रहे हैं, चल बताएं। तनवीन के बाद उर्फ़े यरमलून में से मीम आ रहा है, और अगर नून साकिन के बाद होता तो भी, यानी नून साकिन तनवीन के बाद उर्फ़े से मीम आ रहा है, कोई भी अर्फ आ जाए, कोई भी अर्फ आ जाए, यारा मीम लाम वाव नून, इनमें से कोई भी अर्फ आ जाए तो इदगाम होगा, और इदगाम माल गुन्ना किस में होगा? थोड़ा सा आप जहन से मिस हो रहा है, सोचिए सोचिए सोचिए, आपके बराबर वाले बताना चाह रहे हैं, चले आप बता दें फिदाउर रहमान, या मीम वाव नून उसमें क्या होगा? उसमें गुन्ना होगा, और लाम और राम, रा और लाम में नहीं होगा, पक्का जी, और आपका जवाब आधा, आपका जवाब दुरुस्त है और मुकम्मल फिदाउर रहमान भाई ने कर दिया है, दोनों का जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, अच्छा मीम का मखरज कौन बताएगा? मीम कहाँ से अदा होता है? बहुत ईजी है, सईद मुस्तफा आप भी बता सकते हैं जी, बताइए। दोनों होटल के खुश हिस्से थे, सोच लें, सोच लिया, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह, और मीम के बाद है नून। अच्छा नून का मखरज थोड़ा मुश्किल है, लब्बैक फिर क्या करते हैं दानियाल, लब्बैक फिर पीछे आगे, मतलब जहन में आ रहा है फिर चला जाता है, आगे पक्का पूरा देख लें, सोच लें, अभी सोच लें, हम पूछ लेते हैं सफ़ान भाई से, पूछ लेते हैं, चलिए सफ़ान भाई बताइए, अलीज़ा भाई क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया? जी जी, आपको याद है जी? जब आपको याद नहीं तो फिर याद है, आपको भी याद है, बताइए इन्होंने क्या जवाब दिया? ज़बान का किनारा और इनियाब से सिनाया तक के दांतों की मसूड़ों से, इनियाब से सनाज तक के दांतों के मसूड़ों से, दांतों के मसूड़े या मसूड़ों से, दांतों के पास ही होते हैं मसूड़े और दांत मसूड़ों के अंदर ही होते हैं, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सही बता रहे हैं आप,
माशाल्लाह, जी हाँ, आपने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब कहिए जोर से कि हमारे सफान भाई का जवाब दुरुस्त है। सफान भाई का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, सभी कह रहे हैं, सभी इनका जवाब दुरुस्त कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और आप सबका भी, आप सबने दुरुस्त जवाब दिया या नहीं दिया? कहाँ दिया? अली दादा भाई ने दिया था। तानिया भाई, आपको तो आता है ना, आपने कहा दुरुस्त है ना। दीगर को अगर किसी को याद नहीं तो वो कैसे कह सकते हैं दुरुस्त है? मगर ये है कि अब तो कंफर्म हो गया ना कि जवाब दुरुस्त है, तो इससे आप बता सकते हैं, कोई भी कह सकता है फिर तो। ठीक है, तो आपका भी सबने दुरुस्त फरमाया कि हमारे सफ़ान भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, नून को लाम से मिलाते हैं, लाम को थोड़ा कितना हिलाते हैं? नबैक। कितना? आधा, थोड़ा सा या थोड़ा सा या कुछ ज़्यादा या बिल्कुल नहीं? सैयद हाशिर बताएंगे, सैयद हाशिर बताइए। हिलाते ही नहीं है। हिलाते ही नहीं है, सोच लें। बंदी चैनल के नाज़रीन, हमारे सैयद आशिर कह रहे हैं हिलाते ही नहीं है। अभी हम इनको मौका देते हैं, चले सोच लें, आप सोच लें। कोई और बताना चाहे? चले हम अली रज़ा भाई से पूछते हैं। नहीं लाएंगे। ये कहते हैं हिलाते ही नहीं और आप कह रहे हैं नहीं लाएंगे। अच्छा ये कहते हैं हिलाते ही नहीं और आप कह रहे हैं नहीं लाएंगे। अच्छा चले आप बताएं, हमारे सफ़ान भाई क्या कहते हैं? सफ़ान भाई को दीजिएगा। हिलाते ही नहीं है। हिलाते ही नहीं है आप? आप भी इनके साथ, ये आपने क्या कहता है? हिलाते नहीं है, नहीं हिलाते। अच्छा आप कह रहे नहीं हिलाते, हिलाते ही नहीं है, और आप क्या कह रहे थे? नहीं हिलाते ही नहीं है। हिलाते ही नहीं है। अच्छा आप दानियाल भाई क्या कह रहे हैं? नहीं हिलाते और हिलाते भी नहीं है। अच्छा दोनों ही नहीं हिलाएंगे और हिलाते भी नहीं। अच्छा फिर क्या करेंगे इसको? इसको नहीं हिलाएंगे। अच्छा नहीं हिलाएंगे, वो तो हमने समझ लिया, मगर क्या करेंगे फिर? यानी हिलाएंगे नहीं। अच्छा किन को हिलाते हैं? वो कौन से उरूफ हैं? कलकला वाले उरूफ। कलकला वाले मुफ्तवा जिमदाल। उनमें क्या होता है? कलकला। कलकला के माना क्या है? जुम्बिश और हरकत होना। जुम्बिश और हरकत होना। जुम्बिश और हरकत क्या होती है? मतलब हिलाना। हिलाना, वाह भाई वाह। जैसे जुम्बिश होती है, कोई पंखा चलता है तो जुम्बिश करता है, ऐसा ही ना, वो हिलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जब कोई बंदा चलता है, आप जैसे चल के इधर से इधर आए, तो आप चलना ये भी क्या कहलाएगा? हरकत करना, जुम्बिश और हरकत करना है। इसी तरह से अब ये उर्फ़ कलकला भी जुम्बिश और हरकत करते हैं, वो कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा उनमें क्या होता है? कलकला। कलकला तो होता है, क्या होती है आवाज़? क्या होती है आवाज़? लौट कर आती है। आवाज़ लौट कर आती है, जुम्बिश हो जाती है, हरकत हो जाती है। कैसे होती है ज़रा थोड़ा सा बताए ना, कहाँ होती है? यहाँ तो नहीं है। कल वाली आयतों में गालबन था, सोचे उलाइकल मुकर्रबून। तबारकल्लज़ी, नहीं इक्रा। इक्रा, वाह सुभान अल्लाह। और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, मिसाल भी आपने दुरुस्त दी है, इक्रा। अच्छा इक्रा में हिलाएंगे किसको, ये भी तो बताएं। काफ को हिलाएंगे। और हमारे दानियाल भाई का जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह बारकअल्लाहु फीकुम। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए हुर्फ़े कलकला के अलावा कोई भी हर्फ साकिन आ जाए उसको हिलाना नहीं होता। बाद बच्चे बड़े एक आदि बन गए हैं कि दीगर हरूफ को भी ला हिला के पढ़ते हैं। जी हाँ पढ़ेंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। अरे भाई काफ को तो हिलाया, काफ के लाम को क्यों हिलाया आपने? قل قل اعوذ برب ال لام کو کیوں لایا؟ اس طرح سلتم من الاولین، من ال یہ من ال نہیں کرنا، پڑھنا ہے سلتم من الاولین، سلتم من الاولین، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم۔ اور اس کو الف پڑھیں گے یا حمزہ؟ آپ تو یہ یاد ہو گیا ہے، इतनी मरतबा पूछा मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी बताना चाहें तो बता दीजिए। कभी आप आयतें सुनाएं, कभी सूरत सुनाएं, जो एक आयत सुनाएं, दो आयतें सुनाएं, सुनाया करें, अपनी सुनाने की आदत बनाएं। देखें यहाँ बच्चे सुना रहे हैं और आप नहीं सुनाएं तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप अगर तवज्जो से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें सुनाएं भी। अगर गलती होगी तो आपको दुरुस्त करवाएंगे, गलती होगी ना कोई मसला नहीं है, उसको दुरुस्त करवा देंगे।
फिर दोबारा गलती हो जाए, फिर दुरुस्त करवा देंगे। इसी तरह होता है जब हम पढ़ते हैं सीखते हैं तो शुरू शुरू में गलतियाँ होती हैं, फिर एक वक्त आता है अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बन जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब चलता है, जब खड़ा होना सीखता है तो गिर जाता है, फिर खड़ा होता है फिर गिर जाता है, ऐसा होता है ना। फिर वो एक वक्त आता है थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलना, किसी चीज़ को पकड़ के चलना सीख जाता है, और फिर एक वक्त आता है वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देता है बगैर सहारे के, और एक वक्त आता है दौड़ने लग जाता है। जैसे अभी दानियाल भाई दौड़ रहे हैं, मतलब दौड़ते हैं ना, चलते फिरते हैं ना माशाल्लाह, है ना। तो एक वक्त आता है तो फिर वो बच्चा जो है बड़ा हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो पावरफुल हो जाता है। तो इसी तरह जब हम शुरू में गलतियाँ करते हैं तो ये सीख रहे हैं। अब अगर गलती करें ही नहीं और सुनाए ही नहीं, बताए नहीं किसी को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप दुरुस्त पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। जब आपकी गलतियाँ दुरुस्त हो जाएंगी तो आप अच्छा पढ़ने लग जाएंगे। तो कोशिश करना है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सुनाने वाले बने। और आगे बढ़ते हैं जी, अलीफ है या हमजा, जल्दी से बताएंगे हमारे सैयद मुस्तफ़ा। हमजा। अलीफ है या हमजा, हमारे बताएंगे सैयद मुस्तफ़ा, बताइए। हमजा। सोच लें। अच्छा ये हमजा है, कैसे मुझे तो अलीफ नज़र आ रही है। अलीफ से पहले कोई जज़्म आ जाए तो, कोई पहले जज़्म तो लाम पर आई हुई है। लबैक। और आपका जवाब गलत हो गया है। लबैक। अलिफ से पहले ज़बर हो तो भी गलत जवाब गलत हो गया। लबैक। अच्छा सैयद हासिल आपके बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हैं ना, सैयद मुस्तफ़ा के बड़े भाई, इसलिए आप कह रहे हैं लबैक में बताना चाह रहा हूँ। चले हम आपसे आपके बड़े आपसे बराबर वाले से पूछ लेते हैं, अलीज़ा से पूछ ले, सोच ले, या सैयद हासिल से पूछ ले। चले अलीज़ा पूछ ले। हमजा है, आप बताए क्यों हमजा है। वो भी यही कह रहे हैं हमजा है बस, कि अलिफ के ऊपर जबर है, अलिफ के ऊपर जबर आने से हमजा बन गया जी। लबैक। और अगर जेर होती इसके नीचे, ये भी हमजा होगा, और इससे पहले तो जज़्म आ रही है, लबैक हमजा ही है, हमजा ही है। अलिफ से पहले जबर आ रही है तो जज़्म आ रही है, तो इसकी वजह से भी हमजा होगा, लबैक हमजा है। मोहम्मद हुसैन भाई कह रहे नहीं, गर्दन हिला रहे नहीं। अच्छा दानियाल भाई आप क्या कह रहे हैं, अलिफ से पहले जज़्म आ रही है इसकी वजह से हमजा होगा, नहीं। आप भी नहीं कह रहे हैं, मोहम्मद हुसैन भाई भी नहीं कह रहे हैं, सफ़ान भाई आप बताइए। उस जज़्म को नहीं देखेंगे हम, अलिफ के ऊपर जो है उसको देखेंगे जी, ये होता है जवाब। हम अलिफ से पहले वाली जज़्म को नहीं देखेंगे, अलिफ के ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश आए, या उस पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए, या खड़ी हरकत आ जाए, या उसके ऊपर जज़्म आ जाए, तो हम उसको देखेंगे। सफ़वान भाई का जवाब दुरुस्त है, दानियाल भाई ने भी दुरुस्त कहा, हाशिर भाई ने भी दुरुस्त कहा, मोहम्मद हुसैन भाई ने भी दुरुस्त कहा, और अली रज़ा भाई ने भी कहा दुरुस्त, हमजा तो उन्होंने भी कहा था दुरुस्त, मगर वो सैयद मुस्तफ़ा जवाब क्लियर नहीं कर पाए। कोई मसला नहीं, अब याद हो गया है। कैसे याद हुआ कि ये अलिफ जिस अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए, या खड़ी हरकत आ जाए, या जज़्म आ जाए, उसको हमजा पढ़ते हैं, मगर उससे पहले वाले को सैयद मुस्तफ़ा, उससे पहले वाले को देखेंगे नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, ये याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, वाव की अदायगी होगी होंठों की गोलाई से, गोलाई से, और वाव पर है तश्दीद, तश्दीद वाला हर्फ अदा होता है रुक कर, जरा रुक कर, माशाल्लाह। और लाम का मखरज बताने जा रहे हैं कौन, लाम का मखरज। तारियाल भाई से कौन सा मखरज पूछा था, नून का मखरज। अच्छा तो आप नहीं बता रहे, सैयद आशिर याद नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, याद करके आइएगा, अभी कोशिश कीजिएगा। चाहे ये नाम का मखरज बताने जाए, फिदाउर रहमान को भी याद है, हम फिदाउर रहमान से बाद में पूछेंगे, हम छोटे बच्चों से पूछते हैं जी। दानियाल भाई बताइए, दीजिएगा। जबान का किनारा और दाहिक से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। आपने तो ऐसा रटा हुआ है माशाल्लाह, रट लिया ऐसे ही। अच्छा ये दाहिक से सनाए तक के मसूड़े होते कहाँ हैं भाई, ज़रा बताइए आप थोड़ा। ये नहीं पता। अरे ये सामने ही तो होते हैं, दाहिक हंसने वाला, ये हंसने वाली दाढ़ होती है ना, जब इंसान मुस्कुराता है, हंसता है मुस्कुराता है, तो क्या होता है मुस्कुराने में दाहिक तक की दाढ़ नज़र आती है, सही है। जहाँ से डबल दांत शुरू होते हैं, डबल दांत, उसको दाढ़ कहते हैं, सिंगल सिंगल दांत दांत जो होता है वो दांत कहलाता है, जैसे डबल हो जाता है वो दाढ़ हो जाती है, वहाँ से वो शुरू होती है, वो पहली वाली दाढ़ से लेकर और सामने वाले जो दांत होते हैं बड़े बड़े, ये सनाया तक हैं, सनाया, फिर उसके बाद रुबाई, फिर नियाब, और फिर दाहिक, तो क्या कहेंगे दाहिक से सनाया तक के
मसूड़े, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। जब इनमें मसूड़ों में लगेगी जबान का किनारा तो अदा होता है लाम। हाँ माशाल्लाह। या साकिन से पहले जेर आ जाए तो होता है वाव मद्दा। या मद्दा सोच ले, या मद्दा वाव मद्दा, या मद्दा या मद्दा। गफार भाई कहीं खोए हुए थे, तवज्जो थोड़ी सी बढ़ गई। या साकिन से पहले जेर, या मद्दा या मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा या मद्दा। वाव साकिन से पहले जबर, वाउलीन। वाउ साकिन से पहले पेश, वाउ मद्दा। वाउ साकिन से पहले जबर, वाउलीन। अच्छा, या साकिन से पहले जेर, या मद्दा। या साकिन से पहले जबर, यालीन। यालीन, यहाँ यालीन तो है नहीं, तो या मद्दा और यालीन, या मद्दा है, या मद्दा है, यालीन नहीं है, मगर आपको याद हो गया है माशाल्लाह। और आखिर में वफ करेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा? जोर से बोले मध्य आरिस क्यों होगा ये बताएंगे इसकी डेफिनेशन। कौन बताएंगे? अलीजा भाई बताइए। के बाद आरजी सुकून हो, यानी वक्फी हो जाए, कोई साकिन हो जाए तो मध्य आरिस होगा। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ। वाव की अदायगी होगी होंठों की गोलाई से, और हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करेंगे। काफ का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? हमारे सफान भाई बताइए। जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से, जबान की जड़ और तालू का नरम हिस्सा काफ का मखरज है। जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। आपने सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। और या साकिन से पहले जेर आ गई, हो गया है या मद्दा। और यहाँ तनवीन के बाद आ गया मीम। कायदा बना कौन सा? बाइक। ये बताएंगे हमारे कायदा बताएंगे कौन? आशिर भाई भी सोच रहे हैं, और अली रजा भाई भी सोच रहे हैं, और सफान भाई और दानियाल जवाब देने को तैयार हैं। जी हम पूछते हैं दानियाल भाई से। इदगाम माल गुन्ना। सोच लें जी। इदगाम बिला गुन्ना तो नहीं है? नहीं। अच्छा, कैसे इदगाम माल गुन्ना पता चला? नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून में से मीम मीम वाव नून या आ जाए तो उनमें माल गुन्ना होगा, लाम और रौ में बिला गुन्ना होगा। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। आपने जवाब दुरुस्त दिया, और आपने ये अच्छी तरह याद भी कर लिया है, और अब आपने इसको यूज़ में भी रखना है, सही इस्तेमाल में सही तरह होना चाहिए। क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। जब इसको मिलाएंगे तो क्या करेंगे? गुन्ना भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नून को लाम से मिलाएंगे, हिलाना नहीं है, और खड़ी हरकात को एक अलिफ यानी दो हरकात खींच कर अदा करना है। खा का मखरज कौन बताएगा? खा का मखरज बताएं। खा का मखरज मुस्तफ़ा बहुत आसान है, जल्दी बता दें। उस दिन बताया था शायद आपने। खौ अदा करें, देखो खौ कहाँ से अदा हुआ? खौ। अच्छा, आंखें ऐसे खोल के करेंगे, खौ आंखें खोल के खौ ऐसे करेंगे तो कोई डर नहीं जाए। आपने नॉर्मल खौ कैसे? हलक के ऊपर वाले। पक्का सोच रहे? सोच लिया। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया माशाल्लाह। सैयद मुस्तफ़ा परेशान हो गए, तो शायद गलती होगी। का जवाब दुरुस्त हो गया है। गैन और खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। ऐन और हा हलक के, टीम ए बताएगी। ऐन और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से नहीं, दरमियान वाले हिस्से से। और हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, नीचे वाले हिस्से से टीम बी बताएगी। जी हमजा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, गैन खा हलक के عین ہا حلق کے ماشاءاللہ۔ اور ان سب کو کہتے ہیں حروفِ حروفِ حلقی کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ را ساکن سے پہلے، را ساکن سے پہلے کوئی ہے؟ را ساکن ہے پہلے یہ بتائیے، نہیں ہے تو را ساکن کہیں گے کیا کہیں گے؟ یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر، زیر۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ۔ اچھا، را کے نیچے زیر ہے، اب را باریک ہوگی یا پر؟ सब मिलकर बोले बारीक। और रा पर जबर आ जाए तो पुर। पेश आ जाए तो पुर। और दो जबर आ जाए तो पुर। सोच लें, दो दो पेश आ जाए तो पुर। अच्छा, खड़ा जबर आ जाए तो पुर। खड़ी जेर आ जाए तो बारीक।
और या बारीक? बारीक। राह के नीचे खड़ी जेर आ जाए तो बारीक। सब मिलकर इधर टी में बोलेगी, टी में, टी में बताएगी। राह के नीचे खड़ी जेर आ जाए तो बारीक। ये इतने हिस्से वाले जो नात खां भी और छोटे बच्चे भी, जी क्या होगा? बारीक। अच्छा राह अभी टीम बी बताएगी, छोटे बच्चे भी बड़े बच्चे भी जो नात खां बच्चे हैं, अगर राह पर पेश आ जाए, उल्टा पेश आ जाए तो बारीक है पुर। पुर। सोच लें। सोच। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। और आखिर में हो जाएगा क्या? मध्य आरिज। आपको याद हो गया है उर्फ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो जाता है वक्फ की वजह से माशाल्लाह। अला सुरूरिन मौदूना माशाअल्लाह। आइन की अदायगी होती है हलक के माशाअल्लाह। खड़ी हरकात को एक अलिफ यानी दो हरकात की मकदार खींच कर अदा करते हैं प्यारे बच्चों। और सीन की अदायगी होती है जबान का, जबान सिरा या नोक या जड़ या दरमियान, नोक 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 की जबान से। और इसके अलावा सैयद आशिर पूरा जवाब दें जी। दानियाल भाई बताइए, दादों के अंदरूनी किनारे से ऊपर नीचे से क्या मुराद लेंगे? ऊपर के दांत और नीचे के दांत, नीचे वाले दांत ऊपर गिरने वाले दांत, उनके अंदरूनी किनारे से ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चे माशाल्लाह। इनको क्या कहते हैं ये बताइए? उर्फे असलिया। उर्फे असलिया। और सिटी के लिहाज से सफीरिया। माशाल्लाह। राह पर पेश आने की वजह से राह हो जाएगा और, और यहाँ दो जेर की तनवीन को यानी राह को मिलाएंगे मीम से, कायदा कौन सा लगेगा? इदगाम। कौन सा इदगाम? इदगाम माल गुन्ना। सोच लो माल गुन्ना। दानियाल भाई माल गुन्ना सोच लें। अभी इन्होंने तो माल गुन्ना कहा, आपने बिला गुन्ना। माल गुन्ना आपने माल लिया। सफान भाई दुरुस्त है, आप गलती पे थे माशाल्लाह। सफान भाई का जवाब दुरुस्त है, इदगाम माल गुन्ना होगा। और वाव साकिन से पहले जबर आ जाए आ गया है तो क्या हो गया? वावलीन। वावलीन। वाव साकिन से पहले पेश आ गया वाव मुद्दा। बहुत का मखरज कौन बताने जा रहा है? बहुत बड़ा मुश्किल मखरज है, इजी भी है। जिसने याद किया हुआ है उसके लिए आसान, जिसको याद नहीं उसके लिए मुश्किल। जी बताइए, हमारे दानियाल भाई बताएंगे जी। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। जबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। जबान की करवट ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया माशाल्लाह। अच्छा इसको क्या कहते हैं, इस हर्फ को क्या कहते हैं, नाम याद है इसको? फिदाउर रहमान भाई आप बताइए। हर्फ हाफिया। हर्फ हाफिया कहते हैं, हाफतुल लिसान यानी जबान के बगली किनारे से अदा होने वाला हर्फ कहलाता है, इसलिए इसको हाफतुल लिसान से अदा करते हैं और हर्फ हाफिया कहते हैं माशाल्लाह। और प्यारे बच्चों ये बताइए, गोल ता को वक्फ में क्या करते हैं? हा साकिन। हा साकिन से बदल देते हैं, हा से या हा साकिन नहीं करेंगे? बताइए अच्छा, ये हाथ साकिन करेंगे या हाथ से बदलेंगे ये बताएं? हाथ से बदलेंगे। अच्छा हाथ साकिन तो की तनवीन को हाथ से बदलेंगे। हाथ से बदलेंगे, हाथ साकिन नहीं होगा ना वक्फ में? हाथ साकिन हो जाएगा? नहीं। अरे कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। फिदाउर रहमान आप बताइए, गोलता को वक्फ में हाथ साकिन से बदलेंगे? हाथ साकिन से ही तो बदलते हैं, गोलता को हाथ से बदलते, मगर वक्फ में गोलता को हाथ साकिन हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है? हाथ साकिन जी, तभी तो ये फिर, वरना तो गोलता ही रहेगी। अगर इसको साकिन नहीं करेंगे तो ये गोलता ही रहेगी। जैसे हम पढ़े मऊदू न तिन, तो तिन ही रहेगा, ता रहेगा। और जैसे करेंगे मऊदू न, तो ये हा साकिन से बदल गया माशाल्लाह। उम्मीद है प्यारे बच्चों और मंदी चल के नाज़रीन आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी माशाल्लाह। जी तो किड्स मंदी चल के नाज़रीन, आइए कुछ कॉल शामिल करते हैं। नाम अमना है, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी, मस्जिदुल हराम। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरे प्यारे प्यारे कारे साहिब, मैं हूँ फातिमा तारी अमीन जरनाबाद। मेरे प्यारे प्यारे कारे साहिब, मैं आज आपको तलावत सुनाऊंगी। तस्बत यदाबी लहब वतब। माशाल्लाह, हमारी फातिमा तारिया छोटी सी बच्ची मिन चैनाबाद से
काफी दिनों के बाद आपकी कॉल आई है। प्यारी बच्ची कोशिश किया करें, सबक सुनाया करें। जी हाँ, तो आप लोगों ने सबक सुनाना है और जो गलतियाँ उनको दुरुस्त भी करनी है। तो तब्बत यदा अबी लहबिं वतब, और इसको थोड़ा जमाव के साथ कलकला करना है। कैसे? तब्बत यदा अबी लहबिं वतब वतब। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें दे। इसी तरह कोशिश करती रहें और कुरान पाक को दुरुस्त करती रहें। माशाअल्लाह जी, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम है। मैं आज आपको हमारा बनी मकसद बताऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह। किड्स मनी चैनल हमारा बनी चैनल। आपका जवाब दुरुस्त है, मगर ये मस्जिदुल हराम है। जी काय साहब। जी मस्जिदुल हराम। जी प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अब तवज्जो के साथ आपने क्या करना है, सबक को पढ़ना है मेरे साथ मिलकर इन आयतों को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ عَلَى माशाअल्लाह। चंदा से पढ़ने की कोशिश की, अब सुनाना है। अली रजा भाई पहली आयत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। अच्छा, अव्वलीन नहीं करेंगे, होंठों को गोल करेंगे। अव्वलीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। माशाअल्लाह, दूसरी आयत पढ़ेंगे कौन? सईद मुस्ताफ कोशिश करेंगे। وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ। قاف کو موٹا رکھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ آخِرِينَ آخِرِينَ اور وَقَلِيلٌ غنہ کی مقدار ایک الف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی آیت پڑھیے جی۔ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ماشاءاللہ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ اور پہلی آیت آپ پڑھیں گے، پڑھیے۔ سُلَّتُم مِّنَ الْأَوَّلِينَ۔ دانیال بھائی غنہ آپ نے نہیں کیا، دیکھیں آپ نے ادغام بتایا تھا نا، قاعدہ ادغام کا، اب اس کو اپلائی بھی تو کرنا ہے، یوز بھی کرنا ہے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ۔ اگلی آیت بھی پڑھئے۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اگلی آیت سید حاشر آپ پڑھئے۔ عَلَى سُرُورٍ مَوْضُونَةٍ۔ سُرُورٍ کھینچنا نہیں ہے۔ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ۔ ما شاء اللہ بارک اللہ فیکم۔ اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، قرآن پاک اچھا پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے حدر اور ترتیب کے ساتھ پڑھنا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثلة बढ़ते हैं तरतील की तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم अगर शुरू की दो आयतें उठाकर जवाब उल जवाब में दानियल भाई सुनाएंगे कोशिश करेंगे जी दानियल भाई अच्छा आपने गुन्ना भी पूरा करना है और आखिरीन नून के बाद हा की आवाज ना आए इस चीज का भी ख्याल रखना है और सा की अदायगी और क्लियर करनी है दोबारा कोशिश करें सुल्ला
माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की प्यारे बच्चे। और मदी चैनल के नाज़रीन, हम सब ने अच्छे अंदाज से कोशिश करनी है कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है। और दानियाल भाई, आपने भी यहाँ मौजूद जितने भी बच्चे हैं, सब ने क्या करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक वक्त आएगा अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। कज़ब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद अब हाजी नसीब फरमाए। आमीन, आमीन। फिर मदी चैनल के नाज़रीन, हम बढ़ते हमारे दूसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक कहानी एक हदीस। इस्लाम फॉर किड्स, फॉर किड्स, इस्लाम फॉर किड्स। एक शख्स ने अपनी मेहनत से एक खूबसूरत सा पार्क बनाया जिसमें बच्चों के खेलने के झूले, कुर्सियाँ और हरे भरे पौधे भी लगाए, जहाँ रोज बच्चे आते, खूब खेलते, मस्तियाँ करते और चले जाते। पार्क का मालिक बहुत अच्छा शख्स था। वो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता था। इन्हें खेलता हुआ देखकर वो बहुत खुश होता था। एक दिन उस पार्क के मालिक ने सब बच्चों को एक जगह जमा किया और कहने लगा कि मैं यहाँ कुछ दिन बाद एक दावत करने वाला हूँ जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी एक बच्चे को इनाम में दूंगा लेकिन इसके लिए मुकाबला होगा और वह मुकाबला ये है कि मैं सब बच्चों को एक एक बीज दूंगा। सब इस बीज को गमले में लगाकर खूब मेहनत करके इसका ख्याल रखेंगे, इसमें पानी डालेंगे। पार्क के मालिक ने सबको एक एक बीज दे दिया। सब बच्चे वो बीज लेकर चले गए और अच्छे से गमले में बीज बो दिया, मिट्टी भी डाली, पानी भी डाला। गमले कुछ देर धूप में भी रखते रहे और कीड़ों से भी बचाते रहे। सबने बहुत मेहनत की और कुछ दिनों में सबके पौधे निकल गए और आहिस्ता आहिस्ता बड़े भी होने लगे। लेकिन अब्दुल्ला के गमले में से तो पौधा निकला ही नहीं। इसने हर तरह की कोशिश करी और मेहनत तो की, लेकिन इसका गमला खाली ही रहा। जब दोस्त आपस में मिलते तो सब एक दूसरे को बताते भी रहते और दिन गुजरते गए और वो दिन आ गया जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनाम में मिलने वाली थी। सब बच्चे अपने अपने गमले लेकर आए लेकिन अब्दुल्ला खाली हाथ आया और सबसे पीछे बैठ गया। सब अपने अपने पौधे दिखाने लगे। सबके पौधे बड़े खूबसूरत लग रहे थे। किसी के पास गुलाब का पौधा, किसी के पास चमेली का, किसी के पास दूसरा कोई खूबसूरत पौधा था। अब्दुल्ला उस दिन आया तो था लेकिन वो जानता था कि उसको इनाम नहीं मिलेगा, इसलिए वो सब से पीछे खड़ा हो गया और देखना चाहता था कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे मिलेगी। पार्क के मालिक ने अब्दुल्ला से कहा, तुम पीछे क्यों खड़े हो, तुम अपना गमला नहीं लाए? अब्दुल्ला ने कहा, मैंने आपका दिया हुआ बीज लगाया और उसे उगाने की पूरी कोशिश की लेकिन मेरे गमले में पौधा निकला ही नहीं। पार्क के मालिक ने कहा, चलो बच्चों अभी आप सब खेलो, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे मिलेगी। सब बच्चे खेलने लगे लेकिन अब्दुल्ला बेचारा उदास बैठा रहा। कुछ देर बाद मालिक ने सब बच्चों को बुलाया और कहने लगा कि अब मैं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसे मिलेगी, तो इनाम जीतने वाले बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। ये सुनकर दूसरे बच्चे हैरान रह गए कि अब्दुल्ला ना ही गमला लाया ना ही उसका पौधा निकला और वो कैसे जीत गया। मालिक ने खुद ही बताया, आप सबको जो बीज दिए थे वो बीज खराब थे, उनसे पौधा लग ही नहीं सकता था। आप लोगों का जब पौधा लगा नहीं तो आप लोगों ने बीज बदल दिए, इसका प्रूफ खुद आपके पौधे हैं जो अलग अलग है। अगर इसी बीज से ये लगते तो सब पौधे एक जैसे होते, लेकिन अब्दुल्ला ईमानदारी से इसी पर मेहनत करता रहा और आखिरी दिन भी उसने सच कहा। इनाम की लालच में चीटिंग नहीं की, इसलिए ये इनाम उसे ही मिलेगा जिसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की। तो प्यारे बच्चों, हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलना नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है। अर्शद भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार प्यारे प्यारे मदीने की बात अब आसी नसीब फरमाएं। जी तो चैनल के नाज़रीन, हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों की
नाथ। Slum for kids, for kids. Slum for kids. जी तो इस सेगमेंट में ये होता है कि मैं एक शेर पूछूंगा जिससे फिर टीम ए पढ़ेंगी, इसके बाद टीम बी, और जहां नहीं आया तो इंशाल्लाह जरूर मैं बताऊंगा। जी तो मैं आप लोगों को टीम ए को शेर दे रहा हूं। बिल यकीन इसको तो उसको तो जीने का करीना आ गया, जिसके लब पे हर घड़ी जिक्र मदीना आ गया। गम गलत हो जाएंगे बस मुस्कुरा के देख लो, गम का मारा दर पे आशाए मदीना आ गया। जी टीम बी। टल गया मुझसे अजाब और कब्र रोशन हो गई, कब्र में मेरे शहनशाह, कब्र में मेरे शहनशाह, कब्र में मेरे शहनशाह मदीना आ गए, कब्र में मेरी शहनशाह मदीना आ गए। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। जी डी में। किस कदर है बामुकद्दर वो मुसलमान भाइयों, ख्वाब में जिसको नजर शाह मदीना आ गया। आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम बी। क्यों ना रश्क उस पे करें ये, क्यों ना रश्क उस पर करें फिर ये जहां के ताजदार, हाथ जिसके इश्क अहमद का खजीना आ गया। आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम में। खूब मचलो झूम लो और खाक उठा कर चूम लो, लो वो मक्का आ गया देखो मदीना आ गया। आपका जवाब दुरुस्त है। जी टीम बी। आपके लुत्फ़ो करम से कह उठे अत्तार, काश दिल मदीना हो गया दिल में मदीना आ गया। आपका जवाब दुरुस्त है। जी डी में। फाइव फोर थ्री टू वन। जी तो आपसे गलती हो गई है। जी जी टीम भी आपको आदेश क्या आगे। जी मुझको रोता छोड़ कर फिर काफले वाले चले, लौट कर रोता हुआ शाह मदीना आ गया, लौट कर मैं गमजदा शाह मदीना आ गया। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारी टीम भी जीत चुकी है इस राउंड में। आइए गुलाम दा भाई से एक नाच सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में
जबे हो उनके दर पर हाथ में रोजे की जाले हो जबे हो उनके दर पर हाथ में रोजे की जाले हो ये लम्हे जब से हुआ हम अदीबा पाक की मिदहत में कलम जब से हुआ है हम अदीबा पाक की मिदहत में जी। तो किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है एक लफ्ज़ एक शेर। ये एक बजर राउंड होता है, दोनों टीमें अपने बदर चेक कर लें। जी जी, तो पहला लफ्ज़ है आपका सदका। जी टीम भी। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। आप ये शेर तर्स में सुना दें। सुबह तैबा में हुए पाक। जी डी में। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में झूम कर सारे पुकारो मरहबा या मुस्तफ़ा, चूम कर लब कह दो यारो मरहबा या मुस्तफ़ा। जी मेरा अगला लफ्ज़ है वास्ता। जी टीम है।
वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुननी मरे, वास्ता प्यारे का ऐसा, वास्ता प्यारे का ऐसा, वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुननी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अल्लाह 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 चुका है। तो आइए अफ़ान भाई से एक कलाम सुनते हैं। हाले दिल किसको सुनाऊं आपके होते हुए, हाले दिल किसको के जाऊं आप
किसको जा सुनाओ आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाओ आपके होते हुए और दर पे किस के जाऊं आपके होते हुए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। तो अब नवीद भाई से कलाम सुनते हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि कुर्बान में उनकी बख्शिश के कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया ही बिन मांगे दिया और इतना दिया बिन सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं कुर्बान में उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं कुर्बान में उनकी बख्शिश के भर गए मंगे तो के लेके देने से तेरी नियत ना भरी दिल भर गए मंगे जो आया उसे भर भर के दिया महरूम कभी लौटाया नहीं जो आया उसे भर भर के दिया महरूम कभी माशाल्लाह जी। किस्मती चैनल के नाज़रीन हमारा प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सल्लू अलल हबीब। Islam for kids, for kids. Oh, bacho. Islam for kids, for kids. Oh, bacho. Sikhe is kids. Sikhe is kids. Islam for kids. Bacho ka madani channel aa gaya.
आ गया।